इधर बरेली कैंट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी राजेश अग्रवाल से बातचीत की हमारे रिपोर्टर अजय कश्यप ने। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा राजेश अग्रवाल ने। यानी पर्व लोकतंत्र का, और अब जो है मतदान में जो है उल्टी गिनती चालू हो गई। बरेली की बात की जाए तो 15 फरवरी को यहाँ पे मतदान होना, दूसरे चरण में मतदान होना, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे वादे लेके प्रत्याशी जो है मतदान मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं। इस समय मेरे साथ मौजूद है राजेश अग्रवाल जी हैं। इस बार यह बात पहली बार मुद्दे कुछ नहीं है। चार बार बरेली शहर से विधायक रहा हूँ। राजनीति में कोई अपना बसा बसाया घर नहीं छोड़ता, लेकिन ये क्षेत्र बरेली कैंटोनमेंट जिसका नाम है, यहाँ पर कभी विकास नहीं हुआ। और विकास चाहे नाली हो, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, एक प्रकार का अगर इंटीरियर में चले जाएंगे तो नरक से भी बुरा है। लोग कैसे रह रहे हैं एक समस्या थी। डिलिमिटेशन होते ही मैंने विचार किया कि यहाँ पर बहुसंख्यक समाज बहुत उपेक्षित है, और इस उपेक्षा का कारण जो है वो लोगों के लिए पता नहीं क्या है, लेकिन लोग रुचि नहीं रखते। मैंने पिछली बार यहाँ से चुनाव लड़ा, कुछ क्रेडिट समझ लीजिएगा कि हाँ, चार वर्ष रहकर मैंने जिस तरह से काम किया है, जनता के बीच में रहता हूँ, जनता का काम करता हूँ, लोगों ने मेरे लिए एक अवसर दिया क्षेत्र में काम करने का, और क्षेत्र में जब काम करने का अवसर मिला तो मैंने काम किया। विरोध में रहकर भी यहाँ पर जितना प्रगति की है, लोग निश्चित रूप से उसको याद करते हैं। और यही कारण है आज अब ये चुनाव जो 15 फरवरी को होने जा रहा है, मैं अपने क्षेत्र में घूम रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों मजबूत होने चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीबों के बीच में जाकर समाज के सबसे निर्बल वर्ग को कैसे ऊपर उठाने का काम किया है, मैं अपने क्षेत्र की उस गरीब जनता को ये बताने के लिए निकला हूँ। उनको बताया है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र उत्तर प्रदेश में विकल्प है, जिसके सहारे जो है वो सही तरह से काम भी किया जा सकता है। सरकार अगर बनेगी तो निश्चित रूप से जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र, जो गरीबों का क्षेत्र है, उनका विकास होगा। नहीं, देखिए मुद्दे जो हैं वो अलग अलग होते हैं। जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ, यहाँ की जो है परिस्थिति अलग हो सकती है। मैं जब जो है गणेश नगर के इंटीरियर में जाऊँगा तो वहाँ परिस्थिति अलग हो सकती है। मैं जब रविंद्र नगर में जाऊँगा तो वहाँ की परिस्थिति अलग हो जाती है। मैं सुभाष नगर नाले पर जाऊँगा तो वहाँ की परिस्थिति अलग होती है। दुर्भाग्य ये सारा कार्य नगर निगम को करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ। यहाँ पर बिजली की भयंकर समस्या, सड़कों की भयंकर, पीने का पानी भी तो नहीं है। तो मुद्दे यही है, आवश्यकता के आधार पर जो आवश्यक हमारी जिंदगी के लिए चीजें हैं, कोई मुद्दे हैं इस क्षेत्र। अगर छठी बार आप विधायक बनते हैं तो आपकी सोच क्या है, जहन में क्या वो काम है जो आप पूरा करेंगे? मैं निश्चित रूप से सबसे पहले यहाँ पर चाहूँगा जो जल निकासी का है वो दूर होना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है वो ड्रेनेज की। यूँ तो बरेली के अंदर ही जो है वो 60% क्षेत्रों में जो है सीवर नहीं है। यहाँ के अधिकारी पॉल्यूशन कर रहे हैं, पर्यावरण को खराब कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम ठीक होगा। यहाँ बालिकाओं के लिए जो है वो डिग्री कॉलेज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस क्षेत्र में डिग्री कॉलेज नहीं है। यहाँ पर जो है वो बिजली घर की जो है वो भी एक व्यवस्था 132 की है, वो भी उसके लिए करने का योजना है। माननीय राजेश अग्रवाल जी, जनता पार्टी का कैमरामैन पंकज के साथ अजय कश्यप, इंडिया वॉइस, बरेली।